नुकसान हुआ है, लोगों के घरों में पानी चला गया, गाड़ियाँ कितनी तबाह हो गई हैं, घर फर्नीचर वगैरह बहुत ज़्यादा उसका नुकसान हुआ है। तो उसमें न्यूज़ में बता रहे थे कि मिलियार्डी आयरो जाना उसका भी नुकसान हुआ है। तो वहाँ भाई नवीद को भेजा उधर वहाँ से पूछने के लिए आवाज़ साहब को कि हमने उधर जाना है तो उसके लिए कौन सा रोड होगा। यहाँ पे हम आए गाड़ी आगे लेके आए, पीछे उन्होंने वैसे लिख के लगाया हुआ था, लेकिन यहाँ से आगे जितनी भी उन्होंने रोड सारी ब्लॉक की है, सारी मशीनरी वगैरह इन्होंने खड़ी की, आगे मेरे ख्याल में स्लाइडिंग है। यहाँ पे अब जो मेन जो जगह ना यहाँ पे रवाना, अब यहाँ पे पहुँचे ही आप मेरे पीछे देखें, यहाँ पे ये पानी देखें ये फैक्ट्री है यहाँ पे, ये अभी फैक्ट्री चल रही है, आपको इसकी आवाज़ आ रही होगी, ये फैक्ट्रियों के अंदर पानी आया। ये तो आज मेरे ख्याल में इसका दूसरा या तीसरा दिन था, ये सारा फैक्ट्री जोन है, ये इंडस्ट्रियल जोन है ये सारा। तो ये जो पीछे आप वो कैमरे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, शायद आपने न्यूज़ में सुना होगा या वैसे दूसरे जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं वहाँ पे आपने सुना होगा कि यहाँ पे इटली में खासकर जो ब्लूनिया है या इमलिया रोमाना है, जो इमलिया रोमाना बहुत ज़्यादा इसमें मुतासर हुआ, जो फ्लड आया हुआ है। आज दूसरा दिन है उसका, मैं वैसे बैठा हुआ था, खबरें देख रहे थे मैं और मेरे दोस्त थे दो साथ, तो वहाँ पे खबरों में देखा कि बहुत ज़्यादा उनका नुकसान हुआ है, लोगों के घरों में पानी चला गया, गाड़ियाँ कितनी तबाह हो गई हैं, घर फर्नीचर वगैरह बहुत ज़्यादा उसका नुकसान हुआ है। तो उसमें न्यूज़ में बता रहे थे कि मिलियार्डी आयरो जाना उसका भी नुकसान हुआ है। तो वहाँ से मैं अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था, तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक अपने पाकिस्तानी भाई थे वहाँ पर इमलिया रोमाना में, तो वो सोशल का काम कर रहे थे, तो हम भी ऐसे फ्री में बैठे हुए थे, हमने कहा चले जाके देखते हैं वहाँ पे, ऐसे दिल बड़ा उदास था वो वहाँ पे इतना नुकसान देख के, तो मैंने कहा चलिए चलते हैं यहाँ जाके, मेरे घर से तकरीबन 2 घंटे का रास्ता है, जाके सिचुएशन देखते हैं, अगर हेल्प कर सकते हैं हम उनकी तो ज़रूर करनी चाहिए। तो इसी सिलसिले में फिर मैंने सोचा, प्लान बनाया कि चलिए वहाँ पर जाके सूरत हाल देखें। तो सही अभी देखा मैंने नेट पर उस्ताद वगैरह जो ना वो ओपन कर दिए, उन्होंने रोडें क्लियर कर दी हैं सारा कुछ, तो जाते हैं अभी मज़ीद देखते हैं कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है, अगर वहाँ पे हम किसी तरीके से उनकी हेल्प कर सके फिजिकली तौर पर या वैसे भी अगर किसी चीज़ की वहाँ पे ज़रूरत हुई तो वहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तानी भाइयों की मैंने वीडियो देखी थी वहाँ पे वो काम कर रहे थे, तो कोशिश करें कि हम भी उनका हाथ बटाने में, तो बाकी वहाँ पे सिचुएशन आपको भी दिखाते हैं और हम भी दिखाते हैं। यहाँ से आके जितनी भी मैंने रोड सारी ब्लॉक की, सारी मशीनरी वगैरह इन्होंने खड़ी की, आगे मेरे खाने स्लाइडिंग है, तो उस वजह से ये बुलडोज़र वगैरह और दूसरी वहाँ पे ऊपर वो आग बुझाने वाली वो चीज़ें थी वो भी ऊपर चल रही थी। भाई नवीद को भेजा था वहाँ से पूछने के लिए आवाज़ साहब को कि हमें उधर जाना है तो उसके लिए कौन सा रोड होगा। अरे यहाँ पे इन्होंने ड्रोन लगाया और ड्रोन के जरिए वो देख रहे हैं, अभी नवीद भाई बता रहे हैं कि उन्होंने ड्रोन के उन्होंने ड्रोन के जरिए बताया कि ये तो ड्रोन जी तुसी देखी ना तस्वीर, जो मेन जो जगह ना यहाँ पे रवाना, अभी यहाँ पे पहुंचे ही आप मेरे पीछे देखे, यहाँ पे ये पानी पहले इसके अंदर था पानी, अभी मेरी इनसे बात हुई, ये जो आगे जा रहे हैं ये वाला देख,
वो सामने देखिए वो जगह, वो पानी का उसमें सारा सारा गर्म है। Thank you.
ये फैक्ट्री है यहाँ पे, ये अभी फैक्ट्री चल रही है, आपको इसकी आवाज़ आ रही होगी। ये फैक्ट्रियों के अंदर पानी आया, ये तो आज मेरे ख्याल में इसका दूसरा या तीसरा दिन था। ये सारा फैक्ट्री जोन है, ये इंडस्ट्रियल जोन है ये सारा। ये जो पीछे आप वो कैमरे ड्रोन की फोटो आप देख रहे होंगे, उनके घर में था उनके पानी, वो खेतों की तरफ से आया, वो आपने फोटोज देखी होंगी, तो वो सारा पानी उस तरफ से आया। तो ये अभी फैक्ट्री चल रही है यहाँ पे, इसके अंदर ये सारा पानी। अभी आप मस्जिद आके जा रहे हैं, आपके मेरे ख्याल में आगे बीच वाली साइड है, लेकिन देखते हैं वहाँ पे आगे चल के मस्जिद जो है ना वो देखते हैं कहाँ तक पानी आया है इसको। से मैं रिमनी के वहाँ पे आके देखता हूँ तो वहाँ पे बहुत सारी जो है ना, जब मैं वहाँ से निकल रही जो जमेश्वर फोटिंग वगैरह देखी होगी वो थी, वहाँ पे गाँव टाइप था, इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह था, तो वहाँ पर वो पानी था, लेकिन उसके आगे जितनी भी रोडें थी वो मैं सारी बंद की थी। वहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ और बोट वगैरह लगाए हुए थे कि यहाँ से आप आगे नहीं जा सकते, क्योंकि वो पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म था। तो फिर उसके बाद हमने सोचा कि चले बीच वाली तरफ चलते, तो वहाँ पे शायद जो ना कुछ हो, लेकिन वो जगह हमारी नज़र में यहाँ पे हम गुजर रहे थे, ये मेरे ख्याल में रेजिडेंस है, वो होटल है, यहाँ पे हॉस्टल टाइप जो है ना, यहाँ पे आप आके रह सकते हैं। ये वीला मरीना, ये जो है ना यहाँ से हम वैसे गुजर रहे थे, मैंने कहा यार ये जो जगह बड़ी प्यारी लग रही है, यहाँ से आगे चल के देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये आगे आए तो ये देखिए, ये आगे बीच है सारे, क्या आप ये वैसे निकल रहा था, मेरी नजर यहाँ पे पड़ी, मैं तो भाई यहाँ पे रुकी यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ तक तो पानी आया है, यहाँ तक ठीक है, उसके बाद आगे नहीं आया पानी, ये आगे नहीं गया। बाकी जो पानी था वो बारिशों का आया था, जैसे वो नहरें वगैरह होती हैं लागों वगैरह, उसका पानी जो ना मिक्स होके वो इधर आया उन घरों में। तो यही था, अभी टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, क्योंकि जो मेन जो एरिया थे जहाँ पर जो मुतासर हुए हैं जिन घरों में पानी आया था, तो वो तो नहीं, वहाँ पर उन्होंने रोड्स वगैरह सारी बंद की हुई हैं, तो जो थोड़ी थी वो खुली थी, जिन पानी निकल गया था सड़कों पर वो उन्होंने ओपन की थी, तो जो आपने तस्वीरों में भी देखी है, उसके बाद कुछ ऐसा नहीं है। तो जो यहाँ पे अभी तक ये नहीं है कि पानी उतरा ना, उतर गया सारा, वो उतरा नहीं है, लेकिन वहाँ पे वो जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि गाड़ी लेके नहीं जा सकते आप, तो गाड़ी कहीं खड़ी भी नहीं कर सकते, कुछ पता नहीं है कि कितने दूर होगा। तो हमारी तो नीयत अच्छी थी, लेकिन खैर अगर
वहाँ पर उन्होंने नहीं जाने दिया या हम नहीं जा सकते तो इसमें ही बेहतरी होगी। बाकी जो रोड्स वगैरह थी जहाँ पे जो मेन एरिया था वहाँ पर उन्होंने रोड बंद की थी, फिर दूसरी तरफ हम घूम के आना पड़ा। खैर ये था जी आज का व्लॉग, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।